जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, नौवीं वंदे भारत के रेस में एक और नए रूट का नाम सामने आ चुका है। कौन सा है रूट, इसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 2-3 वीडियो में मैंने आपसे ये बात बोली थी कि इंदौर जबलपुर या फिर दिल्ली जयपुर वंदे भारत के चलने से पहले हो सकता है कि किसी नई वंदे भारत की शुरुआत हो जाए, और ऐसा ही होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों, 8वें वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने के बाद 9वें वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में चर्चा शुरू हो गई है, और 9वें वंदे भारत के चलने को लेकर कई सारे रूटों का नाम निकल के सामने आया है। तो इसी में एक और नए रूट का नाम निकल के सामने आया है, जो कि बिल्कुल एक नया रूट है और एक अनएक्सपेक्टेड रूट है, जो कि पुरी से हावड़ा के बीच में निकल के आया है। जी हाँ, उड़ीसा के पुरी से पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच में 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस के जो चलने का संकेत है वो धीरे धीरे मिलना शुरू हो चुका है। अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इंडिया, भारत की 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस उड़ीसा के पुरी से हावड़ा के बीच में चलने वाली है। और ये वंदे भारत एक्सप्रेस मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फरवरी के महीने में चल सकती है, ऐसा लीक्स निकल के आ रहा है। और इस वंदे भारत का काफी लिमिटेड स्टॉप रहने वाला है। और ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का जो रीजन है वो है पुरी के बीच, और आप सबको तो पता ही है कि पुरी में जो जगन्नाथ टेम्पल है वो काफी ज्यादा फेमस टेम्पल है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वंदे भारत का जो परिचालन है वो पश्चिम बंगाल के हावड़ा से पुरी के बीच में करने का जो इंडियन रेलवे है वो सोच रही है। और इस वंदे भारत के चलने के बाद काफी ज्यादा टूरिस्ट को आने जाने का जो सुविधा है वो मिलने वाला है हावड़ा से पुरी और पुरी से हावड़ा के बीच में। और दोस्तों, आप सबको तो पता ही है कि जो पुरी है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने ये सोचा है कि वंदे भारत को इस रूट पर भी चलाया जाए। हालांकि इसके जो स्टॉपेजेस, टाइम टेबल वगैरह अभी कुछ भी फाइनल निकल के नहीं आया है, लेकिन जो लीक्स है वो निकल के आ रहा है। और लीक्स द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े न्यूज एजेंसी में निकल के आ रहा है, तो इसको पूरी तरह से खारिज करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। अब देखते हैं कि क्लियर क्या नोटिफिकेशन निकल के आता है। और दोस्तों, 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की अगर हम बात कर ले तो जो दिल्ली से जयपुर के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने को है उसका भी डेडलाइन मार्च तक रखा गया है। और इंदौर जबलपुर वंदे भारत का भी जो डेडलाइन है वो फरवरी के लास्ट वीक तक रखा गया है। और इस वंदे भारत का जो नया वंदे भारत का रूट निकल के आया है, जो पूरी हावड़ा वंदे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो डेडलाइन है वो फरवरी में रखा गया है। तो देखते हैं कि कौन सी वंदे भारत सबसे पहले चलती है। इस वंदे भारत का जो रूट है वो बिल्कुल नया रूट निकल के सामने आया है, तो देखते हैं इंडियन रेलवे क्या करती है। हो सकता है कि जो जयपुर और जबलपुर वाली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी उसको इंडियन रेलवे आगे बढ़ाएगी, और जो पूरी हावड़ा वंदे भारत है इसको ही लॉन्च कर देगी, ऐसा मुझे लग रहा है। आपका क्या राय है मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि जो सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत का जो लॉन्चिंग है वो कुछ ऐसा ही हुआ था, कोई भी लीक्स वगैरह नहीं थे, अचानक से ही उस वंदे भारत को लॉन्च कर दिया गया। और दोस्तों, पूरी से हावड़ा के बीच में इस वंदे भारत का कहां कहां स्टॉप देना चाहिए मुझे कमेंट में आप बताइएगा, और क्या सच में पूरी से हावड़ा के बीच में 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस चलनी चाहिए, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इस वंदे भारत से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट निकल के आता है तो मैं आपको जरूर से बता दूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज सब्सक्राइब करके चैनल से भाई जुड़ जाइए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, प्लीज आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए भारतीय रेल प्रेमियों के साथ। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।